आपका पहला क्लास है लगता है आज। तो कल हमने देखा था नॉट गेट तक, ठीक है। आज आप लोग का पहला क्लास मुझे लगता इसमें बस जॉब मेरे साथ जुड़े थे पहले दिन से। हाँ तो कल हमने क्या देखा था, नॉट गेट तक देख लिया था, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं नॉट गेट के बारे में, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल हमने कहाँ तक देख लिया था, नॉट गेट तक देख लिया था। नॉट गेट में ही बता रहे थे तब तक कुछ नेटवर्क में इश्यू आ गया था, ठीक है। लास्ट में क्यों जाओ, नॉट गेट हम लोग देखे थे क्या उसमें था कि ये एक इन्वर्टर की तरह काम करता था, ठीक है। ये नॉट गेट कैसा हमारा काम करता था, इन्वर्टर की तरह। इसका सिंबल कैसा था नॉट गेट का, ये आपका सिंबल था नॉट गेट का। जब यहाँ पर हम लोग इनपुट में 0 देते थे तो यहाँ आउटपुट में क्या मिलता था, 1 मिलता था। और ये 1 मिलता जब रखते थे इनपुट में तो क्या हमें आउटपुट मिलता था, 0 मिलता था। ये तो हमने कल देखा था। यानी अगर इसको हम सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में लिखें तो अगर यहाँ पे ए इनपुट रखते हो तो यहाँ उसका क्या मिलता है, इन्वर्ट मिलता है, ठीक है, आउटपुट। ओके, और इसका ट्रुथ टेबल हमने कल देखा था। ट्रुथ टेबल में क्या था कि इसमें एक इनपुट लाइन है और एक आउटपुट लाइन। इनपुट में क्या था हमारा, जब 0 रखते थे, मतलब कि अगर इसको लो इनपुट रखते थे, लो मीन्स क्या, इसको कोई भी वोल्टेज सप्लाई नहीं देते थे, ठीक है। तो ये आउटपुट में कैसे 1 मिलता, इसके बारे में भी बताए थे कि इसके अंदर जो ये नॉट गेट है, ये सिंपल सा जो नॉट गेट दिख रहा है, इसके अंदर अभी कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर होता है। क्या होता है, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर। तो जब ट्रांजिस्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्विचिंग के बारे में, तो वहां हम देखेंगे कि इसके इनपुट में जब लो रखते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं दिया जाता है, तो उसका जो डीसी होता है, जो ऊपर से इसका डीसी वोल्टेज आता है, वो डायरेक्टली आउटपुट से तुम्हें मिल जाता है, आउटपुट को डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है। जब कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक में, तो वहां पे इसे देखेंगे। अभी के लिए क्या देखना है कि अगर यहाँ पे तुम्हें लो इनपुट रखते हो तो यहाँ क्या होगा, हाई इनपुट आएगा। अगर यहाँ हाई इनपुट रखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट पे तुम्हारा 0 शो करेगा, ठीक है। तो इतना हम कल देख चुके थे कि नॉट गेट में, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपका, ठीक है। इसके बाद से हम लोग क्या देखे थे, इसमें बता रहे थे कि इसमें मोनो स्टेबल, अस्टेबल और बाइस्टेबल मल्टीग्राइवेटर क्या होता है, कैसे इससे डिजाइन किया जाता है नॉट गेट से, ठीक है। होता क्या है बाइस्टेबल, लास्ट में इसे ही मैं पढ़ाने वाला था, तब तक नेटवर्क में ग्लिच आ गया था थोड़ा सा। बाइस्टेबल नाम से ही क्या लग रहा है, स्टेबल और दोनों अवस्था, ठीक है। बाई मीन्स क्या, बोथ, ठीक है, बोथ स्टेबल। और यहाँ बोथ का मतलब क्या होता है, जो डिजिटल सिग्नल में होता है क्या हमारे पास, 0 या तो 1 होता है। अगर तुम 0 देते हो तो अगर 0 ही ट्रिगर करने पे तुम्हारा जो आउटपुट पे अगर 0 मिल रहा है, अगर इसको आउटपुट पे 0 मिल रहा है और वो अपने आप से चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्टेबल स्टेट। अगर 1 दिए आउटपुट पे, अगर 1 आउटपुट तुम्हारा मिल रहा है और ये 1 ही तुम्हारा बना रह रहा है अगले ट्रिगरिंग तक, जब तक दूसरा ट्रिगर नहीं दिया जा रहा है, तो इसे बोलते हैं दोनों स्टेबल स्टेट, ठीक है। अगर यही अस्टेबल स्टेट रहता, अस्टेबल स्टेट रहता, तो अगर तुम्हारा आउटपुट पे 0 होता तो अपने आप ये कहाँ हो जाता, 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाता बिना किसी ट्रिगरिंग के दिए, मतलब बिना सर्किट को ऑन किए, ठीक है। इसे बोलते हैं अस्टेबल मल्टीप्राइवेट।
ठीक है। और ये क्या होता है बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में क्या होता है कि अगर आप जीरो दिए तो वो जीरो क्या रहेगा फिक्स रहेगा जब तक नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं दिया जाता है। मतलब ट्रिगरिंग का मतलब है जब तक एक बार ऑन कर दिए तुम, ठीक है, एक बार क्या कर दिए ऑन कर दिए इस गेट को, क्या कर दिए एक बार ऑन कर दिए, तो जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट बदलना नहीं चाहिए। वो आउटपुट क्या नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अगर बदल गया तो उसका स्टेबल वो क्या हो जाएगा अस्टेबल हो जाएगा, मतलब वो स्थिर नहीं है, ठीक है, स्टेबल नहीं है। इसी को देखते हैं, एक और इसमें होता है मोनो स्टेबल, उसको भी देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। जरा देखो अभी क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में। मोनो स्टेबल क्या होता है, नाम से लग रहा है कि इसका जो एक स्टेट होगा वही बस क्या होगा स्टेबल कंडीशन पे होगा। जैसे जीरो दिए तो ये वन हो गया, ठीक है, और ये वन अगर वन दिए तो ये वन पे ही बना रहा, ठीक है, तो एक स्टेट तो इसका फिक्स है, लेकिन एक स्टेट क्या हो जा रहा है चेंज हो जा रहा है। ये आउटपुट का कंडीशन है, ये आउटपुट है, और ये आउटपुट अपने आप कुछ सेकंड के बाद से चेंज हो जा रहा है, और ये वाला नहीं चेंज हो रहा है आउटपुट, तो इसे बोलेंगे मोनो स्टेबल। मोनो स्टेबल क्यों, क्योंकि जो इसका एक स्टेट है ना वो फिक्स रह रहा है, और एक स्टेट क्या हो जा रहा है अपने आप चेंज हो जा रहा है। ये कैसे चेंज होता है जरा देखो नॉट गेट से। ये नॉट गेट है 3, और यहां से फीडबैक दिया जाता है। मल्टीवाइब्रेटर जब पढ़ेंगे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है, तो वहां देखेंगे। ये देखो 3 नॉट गेट है, अगर तुम एक बार इसको ऑन कर दिए, यहां से एक बार क्या कर दिए यहां से ऑन कर दिए, ऑन मतलब इसको एक बार इस सर्किट को क्या करना होगा ऑन करना होगा, तुम्हें ऑन कैसे करना है इसको देखना। एक बार यहां जीरो दे दिए, ठीक है, अब जीरो दे के अब इस ट्रिगरिंग करना इसे बोलते हैं, क्या वो करना बोलते हैं इसे ट्रिगरिंग करना। इनपुट देने का मतलब क्या होता है ट्रिगरिंग करना, ठीक है, ये जीरो दे दिए तुम, और उसके बाद से अब क्या करेंगे, अब जीरो से कुछ हमारा मिलेगा यहाँ पे आउटपुट वन मिलेगा, वन से आउटपुट क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, और जीरो से आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ वन मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये ट्रिगरिंग को हटा दोगे तुम, अब ये ट्रिगरिंग को हटा दिए यहां से, अब इसको क्या कर देंगे फीडबैक कर देंगे यहां से, अब ये अपने आप सर्किट काम करेगा। अब देखो किस कंडीशन में हुआ, अब ये जो वन मिला इसको आउटपुट, ये वन क्या हो जाएगा फिर से फीडबैक हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा वन, अभी आउटपुट क्या है हमारा वन है, यही हमारा फिक्स होना चाहिए था, लेकिन अब इसमें देखो क्या होगा, अब ये वन क्या कर देगा सेकेंड स्टेट का जीरो कर देगा, और ये जीरो किसको कर देगा वन कर देगा, और ये वन क्या कर देगा यहाँ जीरो कर दिया। देखो यहाँ आउटपुट क्या हो गया अपने आप चेंज हो गया इस फीडबैक की वजह से, बिना ट्रिगरिंग दिए, बिना एक बार और दोबारा ऑन किए, इसके पहले एक बार बस ऑन किए थे इस सर्किट को। एक बार ऑन करने का मतलब होता है इस फीडबैक को हटा के, यहां से फीडबैक को हटा के, यहां से फीडबैक को हटा के, ठीक है, इस पॉइंट से फीडबैक को हटा के इसको एक बार सर्किट को ऑन कराना, या तो जीरो दो या तो वन दो, ठीक है, फिर ये अपने आप फीडबैक के थ्रू ये सर्किट चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो इसे ये बताओ ये कौन सा स्टेट हुआ, ये कौन सा स्टेट हुआ, कुछ समझ में आया क्या? ये मोनो स्टेबल नहीं, मोनो स्टेबल नहीं है। कैसे मोनो स्टेबल होगा, अगर यहां मान लो तुम जीरो दिए एक बार, इसी सर्किट को नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, देखना कैसे। वाले नॉट गेट को देखते हैं, यहाँ जीरो है, ठीक है, एक बार इसको ट्रिगर कर दिए, अब ट्रिगर करके इसको हटा देना है, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ठीक है, अब इसको ट्रिगरिंग को क्या कर देना है हटा देना है यहाँ से, और यहाँ से खुद अब ये खुद अपना फीडबैक करेगा यहाँ पर, ठीक है, एक बार ट्रिगर कर दिए, ट्रिगर करके अब यहाँ कोई इनपुट नहीं दे रहा हूँ, एक बार इनपुट दे दिए बस जीरो। अब ये क्या करेगा, ये वन जो आउटपुट है ना अब यही इसको चलाएगा, तो जब चलाएगा तो यहाँ वन आ जाएगा, वन ये जीरो आ जाएगा, ठीक है, फिर ये जीरो वन हो जाएगा, फिर ये वन जीरो हो जाएगा, ठीक है,
फिर अगर ये जीरो पे फिक्स हो जाता, अगर ये जीरो पे फिक्स हो जाता तो बोलते मोनोस्टेबल, लेकिन ये फिर जीरो अगले स्टेट में क्या आएगा, अगले स्टेट में देखो ये फिर जीरो कहाँ चला जाएगा, ये जीरो फिर फीडबैक होगा यहाँ पर, यानी थर्ड स्टेट में क्या आ जाएगा, ये जीरो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा फीडबैक के थ्रू, ठीक है, फीडबैक के थ्रू यहाँ से चला जाएगा जीरो यहाँ पर, और फिर ये जीरो वन हो जाएगा, और ये वन तुम्हारा जीरो हो जाएगा, और जीरो फिर ये क्या हो जाएगा वन। देखो इसका आउटपुट हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, नेक्स्ट स्टेट में जीरो हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट में वन हो जाएगा, नेक्स्ट में ये जीरो हो जाएगा, अपने आप ये आउटपुट तुम्हारा चेंज हो रहा है बिना यहाँ ट्रिगर किए। एक बार बस ट्रिगर किए हो, मतलब एक बार इस सर्किट को बस ऑन किए हो, उसके बाद से फिर इसको ऑन नहीं किए हो, ठीक है, और ये अपने आप ऑपरेट हो रहा है, कभी जीरो हो रहा है कभी वन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अस्टेबल स्टेट, या इसको बोलते हैं अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा क्या, कि अगर ये वन हो जाता, ये क्या हो जाता, वन हो जाता, और ये वन हमेशा बना रहता, जैसे एक और सर्किट लेते हैं, जैसे दो वाला सर्किट ले लो, नॉट गेट को दो ले लो, ठीक है। अब इसमें देखना, अगर यहाँ जीरो एक बार ट्रिगर किए, इसको जीरो दे दिया यहाँ पे, ये वन हो जाएगा, ये वन फिर क्या हो जाएगा जीरो, अब ट्रिगर को यहां से हटा देना और इसको क्या कर देना, फीडबैक कर देना, यहाँ क्या हो जाएगा, कोई और कलर ले लेते हैं, अब ये जीरो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा जीरो, फिर वन होगा, फिर ये जीरो होगा। अब देखो यहाँ आउटपुट पे हमेशा तुम्हारा जीरो बना रहेगा, यहाँ आउटपुट के पे क्या बना रहेगा, हमेशा जीरो बना रहेगा, यहाँ से फिर ये जीरो आ जाएगा, और जीरो से वन हो जाएगा, वन से जीरो, देखो ये जीरो हमेशा फिक्स है कि नहीं फिक्स है, तो इसको बोलते हैं, अगर तुम यहाँ वन देते तो वन भी फिक्स होता, तो इसको बोलते हैं तुम्हारा बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, इसको क्या बोलते हैं, बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ठीक है, हाँ ये बात समझ में आएगा कि नहीं। तो तुमसे क्या पूछेगा क्वेश्चन, कि इफ इफ ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट इज कनेक्टेड इन अ फीडबैक पथ, ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट इज कनेक्टेड विथ फीडबैक पथ, विथ फीडबैक पथ दैट इट इज कॉल्ड क्या, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। अगर पूछेगा किसी कोई एक सर्किट है जिसमें ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट है, कोई सर्किट है जिसमें ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट है और वो किसी फीडबैक पथ से कनेक्टेड है, तो कैसा बिहेव करेगा, तो बिहेव करेगा अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अस्टेबल मीन्स होता है जिसका जीरो भी ना फिक्स हो, जीरो आउटपुट क्या दे दे, बाद में वन होता रहे, फिर ये जीरो होता रहे, फिर ये वन होता रहे, फिर ये जीरो होता रहे, बिना किसी ट्रिगरिंग के, तो इसको बोलते हैं अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अगर तुम्हारा आउटपुट वन आ गया और ये हमेशा वन बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, और जीरो दिए तो जीरो बना है, तो इसको बोलेंगे बाईस्टेबल, ठीक है। अगर आउटपुट जीरो आया और ये जीरो हमेशा बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे बाईस्टेबल, मतलब दोनों इनपुट पे ये बना रह रहा है आउटपुट, तो इसको बोलेंगे बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। और ये कब देखा जाता है, जब इवन नंबर ऑफ नॉट गेट इज कनेक्टेड इन अ फीडबैक पथ, ठीक है, क्लियर है, ये अस्टेबल बाईस्टेबल, ये नॉट गेट से छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो एई में जरूर पूछा जाता है, जेई में ये थोड़ा सा नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन एई के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, नॉट गेट का एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखते हैं क्या आर गेट, आज क्या देखेंगे हम लोग, आर गेट, नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे सर, हाँ ठीक है, कर रहे हो तो अच्छी बात है, आर गेट देखते हैं। वैसे मेरा ये है कि ऐसा पढ़ लो कि फिर नोट्स की जरूरत ना पड़े, क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है,
ऐसे नोट्स एक बार प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि तो इसको रिवीजन करना ही पड़ेगा। एक दो बार करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एकदम के लिए लर्न हो जाएगा। अब आर गेट का सर्किट देखते हैं कैसा होता है। देखो आर आर की तरह यहाँ पर एक सर्किट होता है, ठीक है, ये इसको देखोगे तो लगभग ये आर की तरह ही दिखेगा, ठीक है। यहां से कर्व नुमा, ठीक है, और यहां भी कर्व नुमा, ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, और कोई बात नहीं। यहाँ पे दो इनपुट लाइन होता है ए और बी, जो इसका आउटपुट आता है वो क्या होता है, एडिशन को दिखाता है। आर गेट किसको दिखाता है, एडिशन को। जब बुलियन एलजेब्रा बताए थे उसमें मैंने बताया था कि जो बुलियन एलजेब्रा होता है या तो एडिशन होता है या तो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो एडिशन को क्या दिखाता है, ये आर गेट दिखाता है, ठीक है। ये आर गेट का सिंबल है, लेकिन बना किससे है, ये सेमीकंडक्टर डायोड से बना होता है, ठीक है। इन आर गेट मैन्युफैक्चरिंग, इन आर गेट मैन्युफैक्चरिंग वी आर यूजिंग सेमीकंडक्टर डायोड। ये किससे बना होता है, सेमीकंडक्टर डायोड से, ठीक है। अगर टू इनपुट लाइन का है तो टू सेमीकंडक्टर डायोड यूज होंगे, अगर थ्री इनपुट लाइन का है तो तीन सेमीकंडक्टर डायोड यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ टू इनपुट लाइन है तो कितने यूज होंगे, टू सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। सेकंड क्या होता है इसमें, क्या बोलोगे, इन आर गेट पैसिव, पहले ट्रुथ टेबल देख लो फिर इसका डिफिनेशन लिखोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल देखो कैसा होता है, थोड़ी मेरी राइटिंग सही नहीं है लेकिन जो बोलेंगे वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ट्रुथ टेबल को देखो, इसमें दो इनपुट लाइन होता है और एक इसको ए भी ले लो जाकर, ये ए और ये बी, और यहाँ पे आउटपुट को क्या ले लियो, वाई। इसको क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो जीरो लोगे तो क्या आएगा आउटपुट पे, जीरो आएगा। ये तो मैंने एडिशन सिखाई दिया है, जीरो वन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। वन जीरो लोगे तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन वन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। टू नहीं ना होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट हाई ही होता है, कल मैंने बताया था कि डिजिटल में वन प्लस वन हमेशा वन ही होता है, क्योंकि टू का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं क्या है इसका, आप डिफिनीशन अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, अ गेट विच इज प्रोड्यूस लॉजिक वन व्हेन एनी एनी इनपुट इज हाई, ठीक है। क्या बोलोगे इसका डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन लिखोगे तो क्या बोलोगे, अ गेट विच प्रोड्यूस लॉजिक हाई व्हेन एनी इनपुट, एनी वन इनपुट इज हाई, ठीक है, इज कॉल्ड आर गेट, या इज नोन एज आर गेट, इज कॉल्ड आर गेट। कोई डिफिनेशन पूछेगा तो बता लोगे कि नहीं, अ गेट विच प्रोड्यूस लॉजिक हाई व्हेन एनी वन इनपुट इज हाई इज कॉल्ड आर गेट। यहाँ देखो कोई भी इनपुट एक हाई हो रहा है तो हमारा लॉजिक क्या दे रहा है, हाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। और क्या बता सकते हो, अ गेट विच इज, अ गेट इज विच इज प्रोड्यूस लॉजिक लो एट
बोथ इनपुट आर लो, एट बोथ इनपुट आर लो इज नोन एज आर गेट। ये तो उतना सही नहीं है जितना ये अच्छा है, क्योंकि एंड गेट भी क्या होता है, बोथ लो पे क्या होता है, वो भी लो ही देता है, ठीक है। ये वाला ज्यादा डिफिनेशन बेटर है कि अ गेट विच प्रोड्यूस लॉजिक हाई व्हेन एनी वन इनपुट इज हाई इज कॉल्ड आर गेट, ठीक है। ये भी बोल सकते हो, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना ये, ठीक है। जितना बेहतर ये डिफिनेशन है उतना बेहतर ये नहीं, ठीक है। अब सेकेंड चलते हैं, ये कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसका चेक करते हैं नेक्स्ट पेज पे। आर गेट को देख रहे हैं हम लोग, कम्युलेटिव लॉ देखो क्या होता है। क्या बताया था मैंने कि a प्लस बी करो और b प्लस ए करो, अगर ये दोनों सेम आते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, r गेट कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो चेक करके देखते हैं यहाँ पर, ये सॉरी यान एंड ठीक है। अब एक तुम पहले पे इनपुट पे क्या लगाओगे, b लगाओगे, दूसरे पे a लगाओगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, b प्लस a। अब एक बार ये जीरो रखो, ये वन रखो, ठीक है, a को जीरो रखो और वन रखो, यहाँ देखो क्या मिलेगा, जीरो प्लस वन क्या मिल जाएगा, वन ही मिलेगा। यहाँ भी b को अभी वही रखना है, b को क्या रखना है, वन रख दिए और यहाँ जीरो रख दिए, तो ये वन प्लस जीरो आ गया, तो भी तो सेम इनपुट दे रहा है, सेम आउटपुट जनरेट कर रहा है, दोनों जगह सेम आउटपुट जनरेट कर रहा है, यानी आर गेट क्या होता है, कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहां लिखोगे आर गेट इज फॉलो कम्युलेटिव लॉ, ठीक है। वैसे तो जितने गेट हैं सारे कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। सेकेंड देखते हैं इसमें एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं फॉलो करेगा। ये कम्युलेटिव लॉ तो समझ में आ गया ना, ये तो मैंने उसी दिन बता दिया था आप लोगों को, जी समझ में आ गया, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ देखते हैं, यसी मलिंग अब अपना माइक को ऑफ कर दो ना। हाँ ये क्या बता रहे थे, एसोसिएटिव लॉ, ये क्या होता था, इसके लिए तीन इनपुट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके लिए कितने इनपुट की जरूरत पड़ती है, तीन इनपुट, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, तीन इनपुट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है, दोनों बराबर आते हैं, तो हमारा एसोसिएटिव लॉ आर गेट फॉलो करेगा। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि आर गेट फॉलो करता है, इसको चेक भी करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ए को कुछ नहीं करना है, ए को ऐसे ही रखना है, बी प्लस सी को आर करना है, क्या करना है, बी प्लस सी को सबसे पहले आर करना है, तो आर कर देते हैं बी प्लस सी को। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये बी प्लस सी आ गया, यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो गया, फिर इस बी प्लस सी को ए के साथ आर करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे रख के देखो वैल्यू, यहाँ जीरो रखो, यहाँ वन रखो, यहाँ वन रखो, कुछ भी रख सकते हो, यहाँ वन रख सकते हो, यहाँ जीरो रख सकते हो, यहाँ जीरो रख सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें चेक करना है कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या आएगा इसका आंसर, ये जीरो हो गया और ये दोनों वन वन है, तो वन 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 प्लस वन यानी वन ही होगा, यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा, फिर ये जीरो और वन क्या मिल जाएंगे आपको, वन मिल जाएंगे। अब सेम काम, सेम जो यहाँ आउटपुट जनरेट हुआ है, इसको भी ऐड करने पे अगर जनरेट करता है, तो यानी आर गेट क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसका पेन चेंज करते हैं, फिर देखते हैं इसको।
है। अब क्या करना है, ए प्लस बी को पहले आर करना है, ए और बी को आर करना है, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और फिर सी को लेके जाके इसको क्या कर देना, आर कर देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक है, क्लियर ये बात। अब यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ रखे थे सेम वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा, ए की जगह जीरो जीरो था, बी की जगह वन था, सी की जगह वन था। अब यहाँ जीरो और वन मिलके क्या क्या जनरेट करेंगे, वन जनरेट करेंगे, ठीक है, और सी वाला यहाँ पे वन आएगा, और ये तुम्हारा वन आ गया और वन आ गया, यानी तुम्हारा आउटपुट क्या आया, वन। यहाँ भी आउटपुट सेम आया, यहाँ भी आउटपुट सेम आया, दोनों का आउटपुट सेम आया, यानी ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे यहाँ पर कि आर गेट, क्या बोलोगे, आर गेट इज फॉलो एसोसिएटिव लॉ, आर गेट इज फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो आर गेट दोनों लॉ को फॉलो करते हैं, कभी ऑप्शन में आया कि आर गेट किसको किसको फॉलो करता है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा आपका बोथ कम्युलेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी है प्रीवियस ईयर में, तो इसको ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट देखते हैं नेक्स्ट फेज पे, आर गेट का। ये दोनों बात समझ में आया कि नहीं, कम्युलेटिव वाला कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों समझ में आ गया कि नहीं, सर। कैसे आउट इनपुट लेके कैसे आउटपुट को हमें प्रूफ करना है, ये समझ में आ गया ना। कोई जी एक, हाँ कोई भी एक इनपुट लेके उसको प्रूफ कर देना है दोनों को। अब क्या करना है, आर गेट एज अ इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, ये एक्चुअल सर्किट नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकली इसको कैसे यूज किया जा सकता है और समझा जा सकता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ लिख लो, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकली सर्किट ऑफ आर गेट, ठीक है। तो देखो कैसे यूज करेंगे, क्या था कि जीरो जीरो पे ये क्या हो रहा था, जीरो जीरो जब इनपुट दे रहे थे तो ये जीरो आता था, जीरो वन पे ये ऑन होता था, वन जीरो पे भी ऑन होता था, और वन वन पे क्या होता था, ये ऑन होता था, ये आपका इनपुट था ए और बी, और ये क्या था, आउटपुट था, ठीक है। अब इसको स्विच से इसको रिलेट करना है, स्विच जो हम लोग घरों में लगाते हैं ना, स्विच की बल्ब को जलाए तो जल गया, बल्ब को बुझाए तो बुझ गया, अब इसको स्विच से इसको कनेक्ट करना है, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, स्विच होता है, और ये आउटपुट को क्या दिखाना है, बल्ब की तरह दिखाना है, स्विच से बल्ब को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो जब इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाओगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विच देखो कैसे लगेगा, यहां से पैरेलल लगेगा, ठीक है, और यहां पे एक बल्ब लगा देंगे, ठीक है, और यहां से क्या कर देंगे, सप्लाई को जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये स्विच वन है, स्विच टू है, अब बताओ जब दोनों स्विच ओपन रहेगा तो यहां से कोई भी करंट नहीं जा पाएगा बल्ब के पास, यानी ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है। जब ये स्विच जीरो जीरो है, जीरो जीरो मतलब क्या, ये ऑफ है, दोनों जब ऑफ रहेगा, दोनों मतलब खुला रहेगा, ओपन रहेगा, जीरो जीरो का मतलब दोनों ओपन रहेगा, तो यहाँ पे करंट पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक एक क्लोज होगा, जैसे ही क्या होगा, एक क्लोज होगा, इसको एक पथ मिल जाएगा आगे बढ़ने के लिए, इसको क्या मिल जाएगा, एक पथ मिल जाएगा, कैसे पथ मिलेगा, अगर ये जीरो वन की है, सेकेंड केस में अगर ये जीरो है, ये जीरो है, ये वन, तो इसको करंट कहाँ से मिल जाएगा, करंट जाने का रास्ता कहाँ से मिल जाएगा, इधर से जाने को मिल जाएगा, इधर से इसको क्या मिल जाएगा, इधर से एक पथ मिल जाएगा, और क्या कर देगा, बल्ब को ऑन कर देगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में। अगर दोनों स्विच ऑन कर दिए तो एक कंडीशन क्या है, वन जीरो है, तो इसमें इधर से तुम्हारा चला जाएगा, अगर दोनों स्विच ऑन कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों के रास्ते से जाएगा, लेकिन पहुंचेगा तो टोटल करंट यहीं पे, ठीक है, समझ में आ गया। ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे आर गेट का डिजाइन किया जाता है, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, इसको बस डिजाइन को बना देते हैं यहाँ पे।
डाउट नहीं है सर। ठीक है, ये सब आसान टॉपिक है, कोई बात नहीं। मैं जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ कि आसान टॉपिक को निकाल दूँ, उसके बाद से चलते हैं के मैथ पे। ठीक है, तो ये स्विच वन है, स्विच टू है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, जब क्लोज होगा तो जिधर से क्लोज होगा उधर से करंट का पूरा फ्लो हो जाएगा और बल्ब को क्या कर देगा, ग्लो कर देगा, मतलब जला देगा। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं इसमें और क्या बचा हुआ है। आर गेट में, आर गेट में और कुछ बचा हुआ है आप लोग के? ठीक है, देखो अब एंड गेट पे चलते हैं। आर गेट में और कुछ तो बचा नहीं है। ठीक है, कम्युलेटिव लॉ हो ही गया, एसोसिएटिव लॉ हो ही गया, इसका इलेक्ट्रिकली डिजाइन देख ही लिया आप लोग। एक और देखो, उसका डिजाइन भी दिखा देते हैं, कैसे डिजाइन उसका होता है, इसी में देख लेते हैं आर गेट को बनाते कैसे। ठीक है, एक्चुअल इसका डायग्राम कैसा होता है, ये तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब जो हम लोग उसका एक्चुअल सर्किट क्या है आर गेट का, वो देखने जा रहे हैं, एक्चुअल सर्किट ऑफ आर गेट। ये जल्दी नहीं मिलेगा, ये न्यू टॉपिक है आपको मिलेगा। अब देखो ये दो डायोड लगा दो, क्योंकि दो इनपुट था, दो डायोड से ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा बल्ब था ये बल्ब है। ठीक है, और इसको किससे कनेक्ट कर दो, ग्राउंड से कनेक्ट कर दो। अब देखो अगर यहाँ जीरो जीरो है, अगर यहाँ जीरो जीरो है, तो ये बताओ डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा दोनों। जब यहाँ वोल्टेज दोगे तभी तो ये फॉरवर्ड बायस में आएगा। ठीक है, ये जीरो जीरो दिए यानी इसका कुछ, इसका इंटरनल भी रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण यहाँ से कहीं से भी करंट नहीं जा पाएगा। लेकिन जैसे ही एक तुम ऑन किए, ये एक्चुअल सर्किट है आर गेट का, दो डायोड को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं लोड के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, आर गेट बन जाता है। यही तुम्हारा पूरा आर गेट का डिजाइन है, ये दोनों डायोड जो है यही आर गेट का क्या है, डिजाइन है। आर गेट का ये पूरा डिजाइन है यहाँ से। ठीक है, आर गेट में क्या रहता है, दो डायोड रहते हैं। ठीक है, जो पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक दोगे तुम, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, अब इसको ऑपरेट करा के दिखाते हैं कैसे ऑपरेट करता है। अगर यहाँ पे जीरो है ये वन है, तो ये डायोड तो ऑफ है, ये डायोड तो ऑफ है, लेकिन ये डायोड क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में आ जाता है। फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यहाँ से वन का मतलब क्या है, यहाँ पर वोल्टेज लगा दिए 5 वोल्ट का। ठीक है, इस 5 वोल्ट से करंट निकलना शुरू हो जाएगा और इसके थ्रू तुम्हारा फ्लो होने लगेगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। जब यहाँ 5 वोल्ट लगाए तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ से करंट जाना शुरू हो गया, और करंट जाते जाते कहाँ पे चला जाएगा, लोड के अक्रॉस चला जाएगा। लोड मतलब जहां भी कुछ भी लगाए हो, बल्ब लगाए हो, वहां पे चला जाएगा। ठीक है, और ये ग्राउंड के थ्रू इसको सर्किट मिल जाएगा। ठीक है, ग्राउंड के थ्रू ये क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कैसे ये तुम्हारा एक्चुअल सर्किट है। जी सर। तो ये कभी भी कभी तुमसे पूछ देगा, ये एई का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा था ये कौन सा सर्किट रिप्रेजेंट करता है, तो बताओगे आर गेट को रिप्रेजेंट करता है। ये पूछा था कि ये जो सर्किट है किस गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो सर्किट है वो किस गेट को रिप्रेजेंट करता है, आर गेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये 1 0 रहता, ये 1 0 रहता, तो ऊपर वाला तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो जाता, ऊपर के थ्रू जाने लगता। ठीक है, ये अगर 1 0 रहता यहाँ पर, तो इसके थ्रू तुम्हारा पूरा करंट जाता, इसके थ्रू नहीं जाता। ठीक है, ये तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो जाता, फिर इसके थ्रू जाने लगता। अगर दोनों 1 1 रहता, दोनों 1 1 रहता, तो दोनों के थ्रू करंट जाने लगता। 1 1 मीन्स क्या होता है, 5 वोल्ट, और 0 के मीन्स क्या होता है, 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एक्चुअल सर्किट ऑफ आर गेट, क्लियर। अब देखते हैं क्या, एंड गेट को देखते हैं। ठीक है, आर गेट में कोई कंफ्यूजन? ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। एंड गेट को देखते हैं, देखो एंड एंड गेट को देखो, यहाँ डी देख रहे हो एंड गेट का।
ठीक है, डी को बस उठा लो, यहाँ के डी को क्या कर दो, बस उठा दो, वही उसका डिजाइन हो जाएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं है। एंड में जो डी है उसे ही डी यहाँ पे उठा के बना दो, ये क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा। इसमें दो इनपुट लाइन होता है और एक आउटपुट लाइन होता है। अरे इनपुट लाइन को और भी बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं बस दो ही इनपुट लेना है, तीन इनपुट लाइन भी लिख सकते हो, लेकिन इसको क्या बोलोगे, टू इनपुट एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, बुलियन एलजेब्रा को, बुलियन एलजेब्रा में एंड गेट क्या करता है, प्रोडक्ट को शो करता है। किसको शो करता है, प्रोडक्ट को। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दूसरा क्या है, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, ये अगर 0 0 है तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, और कहीं भी 0 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 ही शो करेगा। 1 का मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 ही होगा, और जब 1 का मध से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कोई डिफिनीशन पूछे तो क्या बताओगे, अ गेट विच प्रोड्यूस लॉजिक हाई, अ गेट विच प्रोड्यूस लॉजिक हाई व्हेन बोथ इनपुट, व्हेन बोथ इनपुट आर हाई। क्लियर है कि नहीं, अ गेट विच प्रोड्यूस लॉजिक हाई व्हेन बोथ इनपुट आर हाई इज नोन एज, या इज कॉल्ड एंड गेट। ठीक है, ये बात समझ में आया, अ गेट विच प्रोड्यूस लॉजिक हाई व्हेन बोथ इनपुट आर हाई, ये कब हाई हुआ है, जब दोनों इनपुट क्या हुए हैं, हाई हुए हैं, तभी तो ये हाई हुआ है, नहीं तो और जगह क्या था, लॉजिक इसका 0 था। लॉजिक 0 मीन्स क्या, आउटपुट। लॉजिक 0 मीन्स क्या, आउटपुट। क्या है, अ गेट विच प्रोड्यूस आउटपुट हाई व्हेन बोथ इनपुट आर हाई इज कॉल्ड एंड गेट। ठीक है, लॉजिक मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आउटपुट बोल रहे हैं। क्लियर बात है, तो ये डिफिनेशन बता लोगे कि नहीं, लोग पूछते हैं एंड गेट का डिफिनेशन बताओ, कोई भी टीचर पूछता है एंड गेट का डिफिनेशन तो वो बता ही नहीं पाते, तो तुम्हें क्या बताना, अ गेट विच प्रोड्यूस आउटपुट हाई व्हेन बोथ इनपुट आर हाई इट्स कॉल्ड एंड गेट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ये डिफिनेशन किसी को भी बता लोगे कि नहीं, डिफिनेशन ये छोटा सा। ठीक है, चल जाओ, जी सर। हो जाएगा ना ये, अब देखते हैं क्या इसका, ये देखो कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, तो वैसे तो फॉलो ही करेगा कम्युलेटिव और एसोसिएटिव लॉ को, देखते हैं कम्युलेटिव लॉ इसमें क्या होगा, जो इनपुट होता है उसको इनपुट को क्या कर दो, चेंज कर दो। अगर ये दोनों फॉलो करते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव लॉ। आर में क्या किए थे, ए प्लस बी था, इसके इनपुट को कोई आया अच्छा इंजीनियर नहीं है, वो ए के जगह बी को कनेक्ट कर दिया और बी को ए कनेक्ट कर दिया, क्या गेट खराब होगा, नहीं खराब होगा। ठीक है, अगर कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करेगा तो गेट नहीं खराब होगा, वो भले गलती कर दिया। यहाँ भी सेम काम है, कोई आया ए के जगह बी को कनेक्ट कर दिया, बी के जगह ए को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो भी हमारा सर्किट खराब नहीं होगा। अगर ये फॉलो नहीं करता तो हमारा गेट क्या हो जाता, जल जाता, जैसे नैंड और नार। नैंड और नार क्या करता है, कम्युलेटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, कम्युलेटिव को फॉलो करता है। ठीक है, तो उसमें कोई गड़बड़ी करेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा। तो देखो इसको करते हैं, यूज करते हैं इसको, कैसे होता है ये, 1 सेकंड 30 सेकंड के अंदर, ये ए है ये बी है, यहाँ आउटपुट क्या जनरेट होगा, ए भी जनरेट होगा आउटपुट। ठीक है, अगर यही अगर यहाँ पे रखो इनपुट 0 और 1, तो यहाँ क्या रिप्रेजेंट होगा, 0 × 1, यानी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर सेम आउटपुट यहाँ भी होता है तो देखो यहाँ पर करके,
सेकेंड सर्किट, यहाँ बी यहाँ ए, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, बी के जगह क्या रखे थे, वन रखे थे, अब यहाँ वन लगा दिया, यहाँ जीरो लगा दिया, ठीक है, तो ये वन इंटू जीरो क्या होगा, यानी आउटपुट सेम आ रहा है, यानी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। गेट में तुम लाइन भी चेंज कर देते हो, जैसे तुम प्लग प्लग लगाते होगे ना, तो ये मोबाइल का चार्जर ही लगाते होगे, तो मोबाइल का चार्जर लगाते होगे या तो सीधा लगाते होगे या तो उल्टा लगाते होगे, तुम्हारा मोबाइल चार्ज होता होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी कम्युलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता तो हमारा क्या होता, मोबाइल का चार्जर ही जल जाता, ठीक है, उसके अंदर जो डायोड वायोड लगे हैं वो सब क्या हो जाते, जल जाते, अगर इसको फॉलो नहीं करता था, ठीक है, कम्युलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता था। इसीलिए देखते हो कि हम लोग प्लग लगाने जाते हैं तो चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो उसको हम लगा ही देते हैं, लेकिन हमें कोई फॉल्ट नहीं देखने को मिलता है। तो इस लॉ को जो फॉलो करता है उसमें कोई ऐसा फॉल्ट नहीं देखने को मिलता है। सेकंड क्या है, एसोसिएटिव लॉ देखो, एसोसिएटिव लॉ ये देखो फॉलो करेगा कि नहीं। तो इसमें हमेशा तीन इनपुट तुम्हें लेना पड़ता है, एक साथ बीसी को कर दो और एक साथ इधर क्या कर दोगे, ए बी को एक साथ कर दो, ठीक है। देखो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले ए को ऐसे ही रहने देना है, पहले किसको एंड करना है, बी और सी को, किसको करना है, बी और सी को, फिर बाद में किसको एंड करना है, ए को, उसके बाद से यहाँ पे क्या मिलेगा, ए इंटू बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट पे कुछ भी लगाओ, जैसे जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, जीरो इंटू वन इंटू वन, तो ये तो वन देगा, ये तो वन देगा यहाँ पर, ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा, जैसे यहाँ वन वन है तो यहाँ वन आउटपुट जनरेट किया, और ये जीरो वन क्या दे देगा, तुम्हारा जीरो दे देगा। अब सेम काम यहाँ देखते हैं इस वाले कंसेप्ट के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले एंड लगाओगे ए और बी के लिए, ठीक है, बाद में सी को ले जाओगे और इसको लगा दोगे एंड से, तो क्या हो जाएगा, ए बी एक साथ और इसके साथ सी लगा दिए, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा एंड गेट का हो गया। तो यहाँ पे देखो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ए कितना है तुम्हारा, जीरो है, बी कितना है, वन है, और सी कितना है, वन है। यहाँ पे जनरेट क्या होगा, जीरो जनरेट होगा, यहाँ वन आएगा, जीरो और वन फिर इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा, ठीक है, यहाँ दोनों जगह आउटपुट फिक्स है या नहीं, ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, एंड गेट इज फॉलो बोथ कम्युलेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए इस पे मैं इतना फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। बुक से सॉल्व करते हैं कि नहीं आप लोग, पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नहीं, नहीं करते सर। अरे किया करो यार, पर डे 5 क्वेश्चन किया करो, जो कंसेप्ट मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ा दिया ना, तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन तुम सॉल्व करना शुरू कर दो, ना आए तुरंत मुझे बताओ, ठीक है, ना आए कोई भी नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन तुमसे फंस रहा हो तो मुझे भेजो। आज गेट पढ़ा देंगे, गेट का कोई भी क्वेश्चन फंस रहा हो, ठीक है, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, कोई भी क्वेश्चन फंस रहा हो तुरंत मेरे पास, कोई भी डाउट हो, फंसना का मतलब कोई भी डाउट हो, डाउट हो तुरंत मुझसे पूछो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक कि गेट का भी क्वेश्चन तुम पूछोगे तो भी उसका डाउट का क्लियर कर देंगे, ठीक है। गेट गेट समझ ही रहो, सबसे अच्छी एग्जाम है इंजीनियरिंग सेक्टर की, इससे ऊपर एक आईईएस होता है, लेकिन गेट में ही अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, आईईएस में तो उतने क्वेश्चन अच्छे नहीं मिलते। तो क्वेश्चन सॉल्व किया करो, कम से कम एई और जेई का तो क्वेश्चन सॉल्व किया करो यार, एई और जेई का क्वेश्चन सॉल्व किया करो, और जो क्वेश्चन डाउट में आए तुरंत मुझे कमेंट कर दो या ऐप में कमेंट कर दो, ठीक है, कहीं भी कमेंट कर दोगे मैं उसका जवाब दूंगा तुरंत का तुरंत, तो पांच तुम कमेंट किए मैं अगर देखा तो 5 मिनट के अंदर उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो,
ताकि ये तुम्हारा सब्जेक्ट क्या हो जाए, अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो एंड गेट का आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, क्या करना है हमें, पहले ट्रुथ टेबल लिखना है। ट्रुथ टेबल कैसे लिखना है, यहाँ इनपुट लो, यहाँ आउटपुट लो। जब जीरो जीरो इनपुट है तो जीरो आउटपुट जनरेट हो रहा है, 0 1 है तो भी 0 जनरेट हो रहा है, 1 0 है तो भी 0 जनरेट हो, 1 1 है तो क्या होगा, 1 जनरेट हो रहा है। अब इसको स्विच की तरह तुम इसको क्या कर दो, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है तो इसको स्विच में कन्वर्ट कर देना और इसको बल्ब में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब इसको बताओ क्या करें, स्विच को कैसे लगाएं कि ये क्या हो जाए, एंड की तरह काम करें। बताओ, एक स्विच तो तुम्हें दिखा दिए, दूसरा स्विच कैसे कनेक्ट करें, सोच के बताओ। सीरीज में हाँ, वेरी गुड। क्या होगा, सीरीज में रहेगा तो जब तक दोनों तुम्हारा ये ऑन नहीं होगा तब तक तुम्हारा करंट फ्लो नहीं होगा बल्ब तक। वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा, बल्ब है। जब तक ये दोनों स्विच ऑन नहीं होगा तब तक इस रास्ते से करंट कोई जाएगा ही नहीं। ठीक है, एक स्विच बंद करोगे तो दूसरा स्विच उसको ब्लॉक कर देगा, करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होंगे तब तक तुम्हारा ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अभी इस पे एक मैं क्वेश्चन दूंगा बहुत अच्छे लेवल का। ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, ये सब तो मजाक है। ठीक है, अभी इस पे कैसे क्वेश्चन इसको डिजाइन किया जाता है उसको डिस्कस करते हैं, इस पे कैसे क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है। एक्चुअल सर्किट देख लो जरा, एंड गेट का एक्चुअल सर्किट, ये भी किससे डिजाइन होता है, डायोड से ही डिजाइन होता है। इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा रहता है और यहाँ 5 वोल्ट का हमेशा तुम्हें वोल्टेज दिया रहता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एंड गेट है, इतना पूरा क्या है, एंड गेट है, और यहाँ से लोड लगा रहता है। ठीक है, ये लोड है तुम्हारा और ये एक साथ ही पूरा एंड गेट है। ठीक है, अब देखो अगर ये 0 0 रखे, अगर ये 0 0 रखे तो यहाँ कुछ ना कुछ इसका वोल्टेज आएगा कि नहीं, 5 वोल्ट का। मान लो इसमें 0.7 वोल्ट इसका क्या हो गया, ड्रॉप आ गया, तो ये 4.7 आया कि नहीं इधर। जैसे ही 4.7 आया तो ये बताओ ये डायोड किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, क्योंकि ये 4.7 इधर है और इधर भी 4.7 है और इधर 0 है, तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस में रहेगा कि नहीं रहेगा। और जैसे ही फॉरवर्ड बायस में होता है ये कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, तो लोड पे कोई करंट ही नहीं जा पाता है, सारा का सारा इधर से तुम्हारा फ्लो हो जाता है इस रास्ते से। ठीक है, जब तक ये 0 बना रहता है, अगर ये 0 1 है तो एक शॉर्ट सर्किट ऊपर वाला तो बचा ही रह गया, तो ये वाला करंट कहाँ से चला जाता है, इधर ही से चला जाता है, लोड के पास नहीं जा पाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है, दोनों को ऑफ कराना पड़ता है डायोड को। तो दोनों को ऑफ कराने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 5 वोल्ट, इधर भी 5 वोल्ट। जब ये 5 वोल्ट 5 वोल्ट होगा तो नेगेटिव टर्मिनल पे 5 वोल्ट आया और पॉजिटिव टर्मिनल पे मान लो 4.7 आया, उससे कम ही आएगा तो 4.7 वोल्ट आया, तो ये बताओ ये रिवर्स बायस में हो जाएगा कि नहीं, रिवर्स बायस में हो जाएगा। नेगेटिव पे ज्यादा वोल्टेज, पॉजिटिव साइड क्या है, कम वोल्टेज। ये डायोड का, डायोड पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े होगे तो भी चलेगा, देखो राइट पढ़े सर, हो, थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा ही सेमेस्टर वाला भी। देखो ये 4 5 वोल्ट है और इधर 0 वोल्ट रहता है, तो ये हमेशा क्या रहता है, फॉरवर्ड बायस रहता है। लेकिन अगर यही तुम्हारा क्या हो जाए, इधर 5 वोल्ट लगा दो, इधर 0 वोल्ट हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है। नेगेटिव साइड जब ज्यादा वोल्टेज हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिवर्स बायस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखो नेगेटिव साइड में ज्यादा है, 5 वोल्ट है, और पॉजिटिव साइड में हम ले रहे हैं 4.7, हो सकता है इसमें और ज्यादा ड्रॉप। ठीक है, तो भी ये क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा।
ये भी रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो जब दोनों रिवर्स बायस में होंगे यानी क्या हो जाएगा, डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा। डायोड ओपन होगा तो अब इधर से कोई भी करंट नहीं जाएगा, इधर से टोटल टोटल क्या हो जाएगा, इधर से पूरा आ जाएगा लोड के रास्ते। तो कब ये डायोड ऑन हुआ, कब ये पूरा सर्किट ऑन हुआ है, मतलब इस लोड को चलाने के लिए, जब यहाँ दोनों को 1-1 रखना पड़ा था, दोनों को जब 1-1 यहाँ पे पुट किए हो, तब ये दोनों रिवर्स बायस में आए हैं। तब ये दोनों क्या हुए हैं, रिवर्स बायस में आए, रिवर्स बायस में आए तो इधर से कोई करंट नहीं फ्लो हुआ है, ठीक है। टोटल करंट किधर से चला गया है, इधर से लोड के रास्ते से चला गया, ठीक है। किसको किसको ये बात समझ में आया, जॉब समझ में आया? जी सर। यासी? जी सर। और ये यमाई माइक, हाँ माइक को समझ में आया? जी सर। ठीक, एक बार और इसको डिस्कस कर देते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखो इसको थोड़ा इरेज करके, ये अच्छा कंसेप्ट है, इसमें डायोड का भी कंसेप्ट तुम्हें सीखने को मिल रहा है, ठीक है। मेरा वैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक और अच्छा है, डिजिटल तो अच्छा है ही, और मेजरमेंट मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोग की क्लास और भी ले सकता हूँ, मेजरमेंट की भी ले सकता हूँ। मेजरमेंट में तो तुम्हें मैं एक दिन में ही पूरा सिखा सकता हूँ, ठीक है। एनालॉग कब लेगा क्या? एनालॉग देखते हैं, डिजिटल जैसे ही खत्म होगा तो मैं एनालॉग भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग बोलेंगे तो स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले डिजिटल तो समझ लो पूरा, ठीक है। डिजिटल पूरा समझ लेते हैं इस महीने पूरे, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। पहले डिजिटल में पहले अपना वो बना लो, एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट कर लो अच्छे से। तो इसका कैसे बनाए थे हम लोग, ऐसे बनाए थे, ठीक है। ये क्या था, एंड गेट का दो डायोड था, जो हमारा दो इनपुट साइड होता है उसे एक किससे डिनोट करते हैं, डायोड से डिनोट करते हैं, और इसके साथ एक क्या लगा रहता है, रजिस्टर लगा रहता है, और यहाँ हमेशा वोल्टेज कनेक्टेड रहता है 5 वोल्ट का, और यहाँ ग्राउंड रहता है, और यहाँ से क्या रहता है, एक लोड लगा रहता है जिसको चलाना रहता है, जैसे बल्ब को चलाना है, कुछ भी चलाना है, ये हमारा लोड है, ठीक है। जब यहाँ पे 0-0 लगाते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, तो लोड से कोई भी करंट नहीं जा पाता है, इधर ही से हमेशा शॉर्ट सर्किट पथ को ही करंट फॉलो करता है, तो ये पूरा पूरा करंट इधर ही से चला जाता है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ ऊपर से ही चला जाता है। तो जब तक ये 1-1 नहीं होता है तब तक ये रिवर्स बायस में नहीं होता है, जब ये 1-1 हो जाता है तो ये रिवर्स बायस में आ जाता है, मतलब ये ओपन हो जाता है, ये दोनों डायोड ओपन हो जाते हैं रिवर्स बायस में, ठीक है, जब ये 1-1 आता है तब, ठीक है, ये दोनों रिवर्स बायस में हो जाते हैं। रिवर्स बायस में जैसे ही होते हैं यहाँ से टोटल करंट कहाँ चला जाता है, लोड में चला जाता है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ कोई भी जीरो अगर रह गया तो वहां से फॉरवर्ड बायस मिलेगा, और फॉरवर्ड बायस मिलेगा तो वहां पे तुम्हारा कम रेजिस्टेंस के थ्रू ही पूरा करंट चला जाता है, मतलब इधर से ही चला जाता है, लोड में जाता ही नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा एक्चुअल सर्किट ऑफ एंड गेट था। अब देखो एंड गेट और आर गेट का जो इक्विवेलेंट सर्किट है ना, उससे कैसे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं उसको दिखाते हैं। जैसे ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लो ये क्लास वर्क क्या है, असाइनमेंट है, क्लास असाइनमेंट समझ लो ये, इसको बताओ जरा इसका आउटपुट कितना जनरेट होगा, जो हम दोनों गेट को पढ़ चुके हैं उसी से मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं। चलो यहाँ बताओ आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट का बस सिंबॉलिक बताना है। कोई बता पाएगा, ट्राई करो एक बार।
आउटपुट बताना है क्या आएगा। एबी प्लस सी डी। एबी प्लस सी डी, वेरी गुड। कैसे हुआ ये देखो, दोनों सीरीज में है तो ये किसको शो कर रहे हैं, एंड गेट को शो कर रहे हैं। एंड गेट मतलब क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। यहां भी दोनों सीरीज में है तो ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को शो कर रहा है। और फिर ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में है तो ये किसको शो कर रहे हैं, आर को शो कर रहे हैं। यानी यहाँ पे जो तुम्हारा मिलेगा वो ए बी प्लस सी डी मिलेगा, वेरी गुड। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, दोनों गेट से कैसे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, ये क्लियर हुआ। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो कौन सा गेट था, बेसिक गेट था, ठीक है। जो दोनों गेट पढ़े हम लोग वो क्या था, बेसिक गेट था। बेसिक गेट में हमने क्या क्या देख लिया, नॉट गेट देख लिया, एंड गेट देख लिया, और क्या देख लिया, आर गेट देख लिया, ठीक है। ये तीनों गेट को हमने देख लिया। अब किसको देखेंगे, यूनिवर्सल गेट होता है। पहले हम लोग स्पेशल गेट को देख लेते, पहले यूनिवर्सल ही देख लेते हैं फिर स्पेशल को देखते हैं। दो गेट होते हैं कौन से, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, नैंड और नॉर, नैंड और नॉर, ठीक है। इसके बाद आते हैं दो स्पेशल गेट। स्पेशल गेट में कौन होता है, पहला एक्सोर होता है और सेकंड एक्सनॉर होता है, ठीक है। तो पहले हम नैंड गेट देखेंगे, नॉर गेट देखेंगे, फिर एक्सोर देखेंगे, एक्सनॉर देखेंगे, फिर इनको क्यों यूनिवर्सल बोलते हैं उसको देखेंगे, नैंड को क्यों यूनिवर्सल बोलते हैं उसको देखेंगे। तो अभी पहले नैंड गेट को देखते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं ये बात। बेसिक गेट हमने पढ़ लिया, एंड नॉट गेट को, एंड गेट को, आर गेट को। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि नॉट गेट को बताओ, नॉट गेट किससे डिजाइन होता है, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर से, ठीक है। नॉट गेट किससे डिजाइन होता है, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर से। इसका जो इनपुट होता है, अगर ए पे कुछ भी लगाते हो, ए पे कुछ भी लगाते हो, तो इसका जो इनपुट आउटपुट क्या मिलता है, ए बार मिलता है। मतलब यहाँ कुछ भी लगाओगे उसका इन्वर्ट मिलेगा, इसीलिए इसको एज ए इन्वर्टर भी यूज करते हैं, एज अ इन्वर्टर भी यूज करते हैं नैंड गेट एंड सॉरी नॉट गेट को, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, एंड गेट। जो तुमसे की पॉइंट है उसको मैं बता रहा हूँ। एंड गेट में मैंने क्या बताया कि ये किससे डिजाइन होता है, डायोड से डिजाइन होता है। किससे डिजाइन होता है, डायोड से। जितना इसमें इनपुट लाइन उतने इसमें डायोड यूज होंगे। इसका जो आउटपुट होता है, इसका देखो सिंबल कैसे करोगे, ये जो डी लिखा है ना लास्ट में, इसी को उठाना और यहाँ पे रख देना, ठीक है। डी की तरह होता है ये, इसका डिजाइन। इसको दोनों को प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आर गेट क्या होता है, अब इसके भी आर को देखोगे ना तो आर क्या होता है, थोड़ा सा वो होता है, घुमाव होता है। तो ऐसे इसमें भी गेट में क्या होता है, थोड़ा सा घुमाव होता है, आर की तरह दिखता है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये याद करने का तरीका बता रहे हैं, और कोई बात नहीं। ए प्लस बी, ये भी किससे डिजाइन होता है, डायोड से डिजाइन होता है, ठीक है। ये डायोड से डिजाइन होता है। इसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो सीरीज में जुड़ा होता है। इसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो किसमें जुड़ा होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है। क्या ये ए है, ये बी है, तो आउटपुट पे क्या मिलता है, ए प्लस बी मिल जाता है। अब सेकंड चलते हैं अगले नेक्स्ट पे, नैंड गेट पे चलते हैं, यूनिवर्सल गेट की बात करते हैं। नैंड गेट अब सारा जो आगे का जो भी गेट बनेगा वो किससे बनेगा, बेसिक गेट की ही मदद से बनेगा। तो देखो इसमें एंड है और एन से नॉट है, ठीक है। नैंड में क्या है, एंड है और नॉट है। जब एंड और नॉट को मिक्स कर दोगे, एंड ये एंड है, ठीक है, और नॉट को जब मिक्स कर दोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा।
एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट क्या बन जाएगा, नैंड गेट। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ए है बी है, ये क्या है ए बी है। अब जो यहाँ इनपुट होता है उसी का क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ याद करने की जरूरत है इसमें, जो ए है बी है उसका आउटपुट क्या आता है, ए बी आता है, और ए बी को नॉट क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। क्लियर बात है कि नहीं? अब देखो, अगर किसको कोई पूछा किससे डिजाइन होता है, तो एंड गेट किससे डिजाइन होता है, डायोड से डिजाइन होता है, और नॉट गेट किससे डिजाइन होता है, ट्रांजिस्टर से डिजाइन होता है। तो अगर पूछा कोई कि नैंड गेट किससे डिजाइन होता है, तो क्या बताओगे, डायोड प्लस ट्रांजिस्टर। क्या बताओगे, डायोड प्लस ट्रांजिस्टर से। कौन से ट्रांजिस्टर से, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर। नॉट गेट किससे बनता है, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर से, और ये एंड गेट किससे बनता है, सेमीकंडक्टर डायोड से। ठीक है, तो ये इतना बात समझ में आ गया। अब इस नॉट गेट का, इस नॉट गेट का बस बबल यहां पे दिखा दिया जाता है। इसी को कैसे दिखाया जाता है किताबों में, यहां पे बबल दिखा दिया जाता है, और ये ए होता है, ये बी होता है, और यहाँ पे क्या आउटपुट दे दिया जाता है, ए बी बार दे दिया जाता है। आया कहां से, यहीं से। ठीक है, तो हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है। याद क्यों नहीं करना है, देखो कैसे, एंड पढ़ लियो, नॉट पढ़ लियो, उसी का एप्लीकेशन है नाइन। ठीक है, अब यहां देखना, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, आउटपुट है। आउटपुट क्या होता है तुम्हारा, अभी इसको आउटपुट को थोड़ा दूर बना रहे हैं जानबूझ के, थोड़ा मैं समझाना चाहता हूं कुछ। यहां पे इसका एक्चुअल आउटपुट है जो ए बी बार है, यहां जो है वो एंड गेट का आउटपुट है। ठीक है, तो यहां जीरो जीरो रहेगा, तो एंड गेट क्या देता है, जीरो देता है। एंड गेट क्या देता है, जीरो देता है, तो इसका इन्वर्ट ये क्या देगा, वन देगा। सीधी बात, जीरो का इन्वर्ट करना है ना हमें, जीरो वन क्या देता है, एंड में क्या देता है, जीरो देता है। ठीक है, जीरो वन क्या देता है, जीरो देता है। इसका इन्वर्ट कर दोगे नैंड गेट में तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन जीरो क्या देता है, जीरो देता है, इसका इन्वर्ट क्या हो जाएगा, वन। ये वन वन क्या होता है, वन वन पे ये क्या देता है, वन देता है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है इस वाले लाइन का। ये तो मैं बस क्या करने के लिए बताया हूं, समझाने के लिए कि कैसे इसको निकालते हैं अगर कभी भूल गए तब। ठीक है, ये कैसे निकलेगा अगर कभी भूल गए तब, जीरो जीरो पे वन देता है, जीरो वन पे वन देता है, वन जीरो पे वन देता है, वन वन पे जीरो देता है। क्यों देता है, यहां एक एंड होता है और एंड का ही इन्वर्ट यहां आता है। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया सर, ये तो क्लियर ही होगा पहले से ही। तो हाँ, आगे देखते हैं फिर, इसको एक और तरीका है, डिमार्गन ला नहीं पढ़ा है ना, डिमार्गन ला देखो क्या होता है, डिमार्गन ला पढ़े हो, पढ़ा था सर, अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, डिमार्गन ला देखो क्या होता है, डिमार्गन ला, इसका यहाँ पे कंसेप्ट का यूज होगा डिमार्गन ला का। जो ए बी बार होता है, ठीक है, इसको जब डिमार्गन ला क्या कहता है कि इसको जो जब ब्रेक करोगे ना, तो ब्रेक करोगे तो ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट होता है वो किस में बदल जाता है, एडिशन में बदल जाता है, और ये जो बार होता है, इन्वर्ट होता है, वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, डिमॉर्गन ला। ऐसे ही अगर ए प्लस बी है के ऊपर पूरा बार है, तो ये क्या हो सकता है, ए बार इंटू बी बार हो सकता है, ये डिमॉर्गन ला बताता है। ठीक है, ए बी के ऊपर पूरा बार है तो क्या हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ का प्रोडक्ट जो क्या हो जाता है, एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ का जो एडिशन होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, अलग अलग तो बार हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे ये हो रहा है इसको मैं दिखाऊं, इसको प्रूव करके दिखाऊं, डिमार्गन ला को देखो। ए बराबर जीरो लेते हैं और बी बराबर वन लेते हैं, देखते हैं ये पहला वाला कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं। ए बी बार
ए बार प्लस बी बार, ठीक है। वैसे कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं हम लोग बार बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मैथ में बार बार होता है, वैसे ए का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। डिजिटल में क्या बोलते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलते हैं। मैथ स्टूडेंट हो गए तो बार बार इसको ए बार ही बोल दोगे। वैसे इसको बोलते क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी। तो इतना बात याद रखना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान देते हैं। ए की जगह जीरो रखो, जीरो इंटू वन, और इसके ऊपर क्या है, पूरा कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ ए पर कॉम्प्लीमेंट यानी जीरो पे कॉम्प्लीमेंट, प्लस बी पर कॉम्प्लीमेंट यानी वन पे कॉम्प्लीमेंट। इसका जब पहले प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन होगा, और यहाँ वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो बताओ ये जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन, और यहाँ दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे, वन। यानी जो डिमार्गन ने बोला है वो क्या बोला है, सत्य बोला है, सही बोला है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सेकेंड वाला प्रूफ करके देखते हैं, वैसे इतने बड़े साइंटिस्ट हैं तो ये तो गलत बोलेंगे नहीं, लेकिन अपने अपने जानकारी के लिए देख लेते हैं प्रूफ करके, मजा भी आता है किसी चीज को फिर से करने में, प्रूफ करने में, ठीक है। इनको देखते हैं, उनको भी चेक करते हैं, साइंटिस्ट राम को भी क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इसको भी देखते हैं, ए बराबर क्या रख लेते हैं, इस बार वन रखते हैं और बी बराबर जीरो रखते हैं। इस सेकेंड वाले के लिए कुछ भी रख सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको हमें प्रूव करना है कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ए की जगह क्या रखेंगे, वन, और बी की जगह क्या रखेंगे, जीरो, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी वन का कॉम्प्लीमेंट इंटू जीरो का कॉम्प्लीमेंट। तो ये वन और वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा, वन का कॉम्प्लीमेंट, और ये वन का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन। देखो वन का कॉम्प्लीमेंट आया तो जीरो आ गया, और जीरो इंटू वन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रूफ हो गया सेकेंड वाला भी, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्यों इसको बताएं, ठीक है, यहाँ पे क्यों बताएं इसको, जो हमारा आउटपुट आया था y बराबर क्या, ए बी बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार तो लिख सकते हैं, किसके द्वारा, डिमार्गन, बाय डिमार्गन ला, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बाय डिमार्गन ला। अब जो मैंने डिजाइन किया था इसको एंड गेट से, एंड और नॉट गेट को मिक्स करके हमने जो डिजाइन किया था इसको, ए बी बार को, अब इस डिजाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, ए का पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, ए का क्या कर दो, पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, ए का क्या कर दिए, कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए, और बी का भी एक कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, क्या कर दिए, बी का भी एक कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए, फिर इन दोनों को क्या कर दिए, आर कर दिए, फिर क्या कर दिए, इनको आर कर दिए। तो यहां पे क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार मिलेगा कि नहीं, ठीक है। अब इस डिजाइन को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे आर गेट दिखाएगा और यहां दो बबल बनाएगा, और यहां से ए इंटर कराएगा, यहां से बी इंटर कराएगा, और यहां से आउटपुट निकलवाएगा, क्या बोलेगा कि ए बार प्लस बी बार, सेम डिजाइन को ऐसे कन्वर्ट करेगा, और इसे ही क्या बोलेगा, बबल्ड, बबल्ड आर गेट, ये आर गेट है ना, और इधर क्या है, बबल्ड। तो बबल्ड आर गेट क्या डिनोट करता है, तो बबल्ड आर गेट क्या डिनोट करता है, नैंड गेट को डिनोट करता है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, यहां से कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूछता है बबल टारगेट क्या डिनोट करता है, तो बबल टारगेट क्या डिनोट करता है, नैंड गेट को डिनोट करता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये, ठीक है, आगे देखते हैं।
तो याद रखना कि बबल जो आर गेट होता है वो किसको डिनोट करता है, नैंड गेट को डिनोट करता है। तो कभी कभी भी इस नैंड गेट को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सर्किट कभी कहीं यूज होता है, जब गेट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग तो इसका यूज करते हैं, ठीक है। और जेईई के लिए बस नाम ही काफी है कि बबल टारगेट इज नोन एज नैंड गेट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इसमें कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को देखते हैं कि फॉलो करता है कि नहीं। बोले तो थे कि एसोसिएटिव लॉ को नहीं फॉलो करता है नैंड और ना, चेक करते हैं यहाँ कैसे नहीं फॉलो करता है, ठीक है। कम्युलेटिव लॉ को देखते हैं, कम्युलेटिव लॉ क्या बोले थे कि जो तुम्हारा ए बी पर बार होगा वही क्या होगा बी ए पर बार होगा, ठीक है। बस इसका इनपुट लाइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पर, फिर ये तो फॉलो करेगा, देखो कैसे, ये तुम्हारा ए और बी है, ठीक है। यहाँ पे निकल के आया आउटपुट में क्या, ए बी बार। अगर यहाँ जीरो रखे यहाँ वन रखे तो जीरो वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो इंटू वन और इसका पूरा होल कंप्लीमेंट। ये जीरो इंटू वन पहले सॉल्व करोगे एंड को तो ये जीरो आ जाएगा, और जीरो का कंप्लीमेंट क्या आता है, वन आता है, ठीक है। अब इस वाले कंसेप्ट को सॉल्व करो, बी ए वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, बी ए बार आएगा, सेम इनपुट यहाँ रखना है, बी के जगह वन रखना है और ए के जगह जीरो रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जीरो सॉरी वन, ए के बी के जगह क्या है वन और यहाँ जीरो, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो का कम्प्लीमेंट यानी वन। यानी एंड गेट कम्युलेटिव लॉ को, नैंड गेट जो है कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को क्यों नहीं फॉलो करता है, उसको चेक करते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ तो एसोसिएटिव लॉ में हमेशा कितने हमें इनपुट चाहिए, तीन इनपुट चाहिए, ठीक है। ए इंटू बी सी लगा दो और इस पे होल बार होगा, इधर क्या करोगे, ए इंटू बी इंटू सी का होल बार, ठीक है। ये हम मैंने गलत कर दिया, देखो सर इसको थोड़ा खत्म करा, आज के लिए खत्म करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा कुछ और काम है ना। क्या कह रहे हो, इसको खत्म कर के जो अभी तो खरा है ना, एक क्लास ओप कर, मतलब वो कर देने की चीज है। अच्छा क्लास ओवर कर दे थोड़ा जल्दी, जी जी कुछ काम है, ठीक है कर दूंगा, बस इसको करा दे नेट गेट को ही करा के, ठीक है। एक घंटा लीजिए ना, ठीक है, पांच मिनट और करा देते हैं, ठीक है। तो या रिकॉर्डेड देख लेना ना, थोड़ा सा रिकॉर्डेड देख लेना बाद में, ठीक है सर, ठीक है। अब पांच मिनट देख लो, फिर थोड़ा सा रिकॉर्डेड देख लेना बाद में, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा खींच जा रहा है डिजिटल, डिजिटल उतना लंबा है नहीं, ठीक है। तीसरा दिन हो गया हम लोग अभी गेट पे ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड थोड़ा सा देख लेना। एसोसिएटिव लॉ को देख रहे थे ना हम लोग, तो एसोसिएटिव लॉ में देखो क्या होता है, जब एक साथ रखते हो एसोसिएटिव लॉ का, पहले ये डिजाइन देख लो, पहले ए और बी को एक साथ रखोगे तो इसका क्या आएगा, ए बी बार आएगा, और फिर सी को जब सेकंड यहां पे लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी अ कंप्लीमेंट इनटू सी का फिर पूरा कंप्लीमेंट, ऐसे आएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये जॉब, ये समझ रहे हो कैसे आया, ये देखो ए बी को मैं क्या मान लिया, अगर नहीं ऐसे समझ पा रहे हो तो इसको देखो कैसे समझना है, यहां देखना
ये क्या आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा ए बी कम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, इसका जो आउटपुट आएगा ए बी कम्प्लीमेंट, इसको मान लेना एक्स, ठीक है, और यहां से सी आएगा, जब एक्स और सी एक साथ मिलेंगे तो फिर इसका कम्प्लीमेंट बनेगा कि नहीं, और एक्स के जगह क्या तुम लेट कियो, एज्यूम कियो ए बी बार जी, और इनटू सी, यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अगर सेम चीज, अगर सेम चीज यहाँ पे तुम इनपुट को चेंज करने पे अगर सेम तुम्हारा आउटपुट मिलता है तो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। जैसे बी और सी को एक साथ लो, बी और सी को एक साथ लो, तो बी और सी का क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा, और यहां से ए आएगा, और इन दोनों को एक साथ रखने पे तो इसको मान लीजिए इस बार एक्स, और यहां से ए आ रहा है, ए और एक्स का जब करोगे तो ए इंटू एक्स का होल बार होगा, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स की जगह तुम्हारा यहाँ पे क्या है, बी सी का कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे रख दोगे तो क्या होगा, ए इंटू बी सी का कंप्लीमेंट, ठीक है। अब हम इनपुट रख के देखते हैं, अगर सेम आ रहा है, आउटपुट हमारा सेम आ रहा है तो क्या होगा, हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, अगर सेम नहीं आएगा तो क्या होगा, ये फॉलो को नहीं करता है। तो हम अगर इसको सॉल्व करें किसके थ्रू, डिमार्गन के लॉ के थ्रू, तो डिमार्गन लॉ के थ्रू अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये प्रोडक्ट क्या बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है, और यहां पे इनके ऊपर कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आएगा नहीं, डिमार्गन लॉ से आ गया सर, ये अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्यों, देखो यहां पर मैंने कैसे बताया था, चलो इसी को देखो, इस वाले कंसेप्ट को, इसको ब्रेक करते तो क्या होता है, x बार प्लस c बार होता कि नहीं, और x के जगह क्या है तुम्हारा ए बी बार, x के जगह क्या है ए बी बार, ठीक है, रख दिए। जहां भी दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिर से सेम हो जाते हैं, जैसे a कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। जब दो बार किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं, किसी भी चीज का दो बार जब कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, जैसे एक बार हो गया और इसी का जब दो बार हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट कट जाते हैं। कैसे, नॉट गेट से देखो, यहां से जीरो वन लिए, ठीक है, ए का एक बार कॉम्प्लीमेंट लिए, ए बार हो गया, फिर इस ए बार का अगर फिर से कॉम्प्लीमेंट लिए, नॉट गेट से कॉम्प्लीमेंट लिए तो क्या हो जाएगा, ए बार पे बार हो जाएगा, तो जो तुम्हारा आउटपुट होगा वो देखो किसके बराबर होगा, वन यहाँ पे क्या दे देगा, जीरो, और जीरो किसके बराबर है, ए के बराबर है कि नहीं, यानी ये दो बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए के बराबर हो जाएगा। वही काम यहाँ बता रहे हैं, जब इसका दो बार कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा ए बी प्लस सी बार। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो दोनों चेंज हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे यही काम करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी सी। अब ये बताओ ये और ये कहां से बराबर दिख रहे हैं, कहीं नहीं बराबर दिख रहे हैं, ठीक है जी, इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। दोनों सर्किट का आउटपुट क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, दोनों का आउटपुट क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर यहाँ पे तुम जीरो रखते, यहाँ वन रखते, यहाँ मान लो तीनों को वन ले ले, किसको ले लो, तीनों को वन ले ले, तीनों को वन ले लिया, तीनों को वन लोगे तो एंड गेट में कुछ एक चेंज कर लो, सी को जीरो कर लो, तो देखते हैं इसको करने पे क्या होगा। ए भी तुम्हारा वन इंटू वन प्लस सी का कम्प्लीमेंट, सी का कम्प्लीमेंट कितना होगा, जीरो का कम्प्लीमेंट यानी वन हो जाएगा, यानी इसका जो आउटपुट होगा वन प्लस इसका कम्प्लीमेंट वन, यानी टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा वन। इसका देखते हैं वन का कम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, वन का कम्प्लीमेंट प्लस और इसका बी सी का, बी सी यानी कितना है वन इंटू जीरो, ये देखो ये जीरो हो गया और यहाँ पे इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी इसका आउटपुट जीरो आ रहा है और इसका आउटपुट कितना आ रहा है, वन आ रहा है, समझ रहे हो, ये इसका आउटपुट क्या है, वन आया और इसका आउटपुट जीरो आया जी सर। इसलिए ये नैंड गेट क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसके लिए तुम्हें अच्छा सा इंजीनियर
रिक्रूट करना पड़ेगा ताकि इस गेट को अच्छे से प्रचालन कर सके, मतलब ऑपरेट कर सके. नैंड गेट इज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ ठीक है. नैंड गेट समझ में आ गया. इसका इलेक्ट्रिकल डिजाइन करोगे तो कैसा होगा? इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन करोगे तो कैसा होगा? देखो इक्विवेलेंट थोड़ा थकान हो गया होगा मुझे लगता है सबको. जी सर. सर ये टॉपिक लास्ट कर दीजिए. हाँ ये टॉपिक को लास्ट कर दीजिए. हाँ ठीक है, इसी को लास्ट करते हैं. ठीक है, दो मिनट का रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. इसको देखते रहो, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करके देखना इसको. दो मिनट. इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट. इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ नैंड गेट. ठीक है, तो देखो इसको कैसे नैंड गेट को डिजाइन करना है. तो हमें नैंड गेट कैसे डिजाइन करना है, इसका आउटपुट ही देखना है. ए बी और ये वाई, जब जीरो जीरो देते हैं तो इसका ए बी कम्प्लीमेंट होता है, यानी ये आउटपुट तुम्हारा वन देता है. जीरो वन रहता है तो ये भी वन देता है. जब भी तुम्हारा ए बी तुम्हारा जीरो देगा उसका तुरंत कम्प्लीमेंट वन हो जाएगा. वन जीरो देगा तो वन हो जाएगा, वन वन देगा तो ये ऑफ रहेगा. इसका डिजाइन करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे करोगे, कुछ आइडिया है? देखो एंड तो लगाना है. एंड मतलब जो स्विच है वो सीरीज में तो लगेगा और उसके ऊपर नॉट है. तो जब तुम नॉट का सर्किट बनाए थे तो ऐसा बनाए थे कि नहीं बनाए थे? अभी दिखाते हैं. ये नॉट का सर्किट था ठीक है, और इसी में अगर एक और तुम सीरीज में लगा देते हो तो वो एंड बन जाएगा. देखो बस इसी में थोड़ा सा क्या करना है, इंक्लूड करना है नैंड गेट का. इस कलर को ले लेते हैं. तो देखो यहाँ पे अगर दोनों सीरीज में लगा दीजिए तो ये एंड हो जाएगा, और जो पैरेलल में लगा रहता है वो किसको डिनोट करता है? नॉट को डिनोट करता है. अब ये स्विच वन है, ये स्विच टू है. यहाँ 5 वोल्ट का बैटरी है. अब बताओ जब ये स्विच ऑफ रहेगा, ऑफ का मतलब जीरो जीरो रहेगा, तो सारा करंट ऊपर रास्ते जाएगा कि नहीं? ठीक है, ये सारा करंट किधर से चला जाएगा? इधर से चला जाएगा लोड के रास्ते से. ठीक है, सारा करंट आ गया, यानी ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा. जीरो जीरो है तो, जीरो वन है तो ये वाला तो क्लोज हुआ, ये वाला तो क्लोज हुआ, लेकिन ये वाला ऑफ हुआ, यानी अभी भी क्या है, ये सर्किट का इनकम्प्लीट है. अभी भी ये सर्किट क्या है, ये जो पाथ है इसका इनकम्प्लीट है. यानी फिर से अभी भी कहां से जाएगा? इधर ही से जाएगा, ग्लो करता हुआ. ठीक है, अब क्या किए, इसको ऑन किए, ये जीरो था ये वन था, अब इसको ऑन किए, इसको ऑफ कर दिए. तो भाई जब ये ऑन हो गया लेकिन आगे इसको इनकम्प्लीट रास्ता मिल रहा है, यानी फिर से नहीं जाएगा, फिर से किधर से चला जाएगा? इधर ही से ग्लो करेगा. लेकिन जब ये दोनों ऑन हो गया, क्या हो गया, ये जब दोनों ऑन हो गया तो ये क्या कर देगा? सर्किट एक स्मॉल रेजिस्टेंस का एक पथ मिल गया. ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, स्मॉल रेजिस्टेंस का पथ मिल गया. अब लोड में जाने के बजाय सारा करंट इधर ही से रिटर्न हो जाएगा. जहां भी शॉर्ट सर्किट होता है वहीं से करंट क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है. तो समझ में आया कि नहीं आया ये डिजाइन इलेक्ट्रिकल? आया सर. ठीक है, ये किसका है? नैंड गेट का है. ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट आता है इनेबल और डिसेबल का, उसको देख लो. नैंड गेट को इनेबल और डिसेबल, और किसी भी गेट को इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं, इसको देखो जरा. एक कंसेप्ट ये है, इनेबल और डिसेबल क्या होता है.
तो देखते हैं एंड नैंड गेट को देखते हैं, ये ए है और ये बी है। अब क्या किया मैं, एक इसके इनपुट को जीरो दे दिया हमेशा के लिए, एक इसके इनपुट को क्या दे दिया जीरो, ठीक है हमेशा के लिए जीरो दे दिया। अब यहां ए बी जो आएगा, ठीक है ए बी जो आएगा इसके साथ जीरो के साथ एंड होगा कि नहीं होगा, ए बी जो आएगा यहाँ का आउटपुट जो होगा ए बी के साथ एंड होगा और इसका हमेशा कंप्लीमेंट निकालोगे, ठीक है। अब जब जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, ओवरऑल जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है ओवरऑल जीरो हो जाता है। अब ये बताओ ये वन देगा कि नहीं हमेशा, इसको बोलते हैं जब जीरो देते हैं ना किसी भी इनपुट को, अगर जीरो फिक्स कर देते हो किसी भी इनपुट को अगर जीरो फिक्स कर देते हो तो हमेशा क्या देता है आउटपुट वन देता है। इसे ही क्या बोलते हैं, जीरो को क्या बोलते हैं डिजेबल, डिजेबल पिन, ठीक है। जीरो क्या कर देता है इस गेट को डिजेबल कर देता है, डिजेबल मतलब अब ये ऑपरेट ही नहीं करेगा। अगर ये जीरो लगा दिए तो तुम यहां कुछ भी लगाओ, जीरो जीरो लगाओ, वन वन लगाओ, जीरो वन लगाओ, वन जीरो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा आउटपुट को क्या कर दिया, वन कर दिया, ये जीरो एक जीरो आके, ठीक है। तो ये गेट क्या हो गया, डिजेबल हो गया, इस अब गेट का कोई यूज ही नहीं है। तुम समझ गए कि यहाँ जीरो दे दिए तो यहाँ वन ही आएगा, अब ऊपर कुछ भी चेंज करो इनपुट को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पूछता है नैंड गेट का डिजेबल, नैंड गेट को डिजेबल कैसे करते हैं, क्वेश्चन पूछता है नैंड गेट को डिजेबल कैसे करते हैं। तो क्या बोलोगे कि किसी भी एक इनपुट को, क्या बोलोगे, इफ एनी वन इनपुट, if any one input is fixed, if any one input is fixed at low logic, at low logic, then gate is disabled. समझ में आया, if any one input is fixed at low logic मतलब क्या जीरो पे, then NAND gate always disabled. समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा आया होगा मुझे लगता है। आ गया सर, ठीक है एक बार और बताते हैं इसको, डिजेबल मतलब क्या होता है। किसी भी गेट है, कोई गेट है, ठीक है ये कोई गेट है, यहां पे ए दिए यहां बी दिए, ये जीरो जीरो दिए तो आउटपुट क्या मिला तुम्हें, वन मिला, वन वन दिए तो ये आउटपुट क्या मिला जीरो मिला। यानी अभी ये क्या कर रहा है, इनेबली वर्क कर रहा है, इनेबल है ये लॉजिक जो गेट है ये, वो क्या है इनेबल है, इनेबल मतलब ये ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट का मतलब है कि जो इनपुट यहाँ दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या कर दिए तुम यहाँ पर, जीरो ला के कहीं से फिक्स कर दिए, किसी एक इनपुट पे क्या कर दिए जीरो कर दिए। अब जैसे ही किसी एक इनपुट पे जीरो किए ये हमेशा आउटपुट क्या देगा, वन जनरेट करेगा, जैसे यहां जीरो एक फिक्स कर दिए तो ये क्या कर देगा, इस लॉजिक गेट को डिजेबल कर देगा, इस लॉजिक गेट को क्या कर देगा डिजेबल कर देगा। डिजेबल मतलब है कि अब ये ऑपरेट नहीं करेगा, तुम जीरो जीरो रखोगे, जीरो जीरो रखोगे तब भी वन आएगा, वन वन रखोगे तो भी वन आएगा, करके देखो, जीरो जीरो रखे हो, जीरो जीरो और एक जीरो पे फिक्स है और इन तीनों का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या हो जाएगा जीरो ही होगा और इसका क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। अब दोनों को वन वन रखे, दोनों को क्या रखे वन वन रखे और एक को तुम जीरो पे फिक्स किए हो, एक को क्या किए हो जीरो पे फिक्स किए, यानी ओवरऑल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा और इसका कंप्लीमेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो ये जीरो वाला क्या कर देता है नैंड गेट को डिजेबल कर देता है। तो ये याद रखना है कि नैंड गेट को डिजेबल कौन करता है जीरो, if any one input is fixed at a zero या logic zero या logic low, ठीक है ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में आ गया। अगर यहाँ one रखते हो, अगर यहाँ one रखते हो तो enable रहेगा, ठीक है। अगर इस zero की जगह क्या रख दिए one रख दिए, इस zero की जगह
एच को रहने देते हैं, यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं सर्किट। ठीक है, नैंड गेट को इनेबल करना है इस बार। यहां से क्या कर दो, एक पॉइंट को इसको वन पे फिक्स कर दो। अब यहाँ जीरो जीरो लिए तो आउटपुट क्या मिलेगा तुम्हें, जीरो इंटू जीरो इंटू वन, तुम्हें मिलेगा जीरो का कंप्लीमेंट वन। लेकिन अगर यहाँ वन वन रखे होते तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलता, वन इंटू वन इंटू वन, क्योंकि तीनों का ही एक तो फिक्स है, इसको क्या कर दियो, फिक्स कर दियो, तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, वन का कंप्लीमेंट जीरो। देखो यहाँ क्या हो रहा है, आउटपुट चेंज हो रहा है, यानी ये इनेबल है, ये जो गेट है वो क्या है, एज अ इनेबल यूज हो रहा है, एज अ इनेबल यूज हो रहा है। ठीक है, अगर तुम किसी एक इनपुट को हाई पे तुम क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो, लॉजिक हाई पे फिक्स कर देते हो, तो क्या होगा, ये जो आउटपुट जनरेट करेगा वो चेंज होता रहेगा, वेरिएबल होता रहेगा। ठीक है, तुम लोग भी थक गए होगे तो बता देना। ठीक है, अच्छा हाँ तो गए जाओ, मुझे लगा कि क्या हुआ, नेटवर्क का इश्यू है क्या। चलो नॉर गेट देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है नॉर गेट, उसको भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, उसका जरा मुझे बताना क्या होगा आउटपुट। चलो नॉर गेट पढ़ाने के बाद रिकॉर्डिंग से नॉर गेट से बताते हैं। अच्छा वो क्या है कि ठीक है नॉर गेट, अब इसमें क्या है आर प्लस नॉट, क्या है नॉर का मीन्स क्या हो जाएगा आर प्लस नॉट। ठीक है, इसमें आर और नॉट को जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, नॉर मिल जाएगा। ठीक है, अब आर को एक साथ एक बार लगा दो। ठीक है, ये क्या है आर, आर गेट है, और इसके आगे एक नॉट गेट लगा देंगे तो जो आउटपुट मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल बार मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। इसको और कैसे डिनोट करते हैं, इस नॉट गेट को बस यहाँ बबल से शो करते हैं, इस नॉट गेट को कैसे शो करते हैं, बस यहाँ पे बबल से शो करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ए होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ जो आउटपुट जनरेट होता है वो कैसे जनरेट होता है, ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, ट्रुथ टेबल समझ में आ रहा है ना यासी। और आपको माइक, जी सर। ओके ठीक है, यहाँ पे ध्यान दी, ए और बी, और इसका क्या करना है, आउटपुट हमें जनरेट कराना है। आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट। यहाँ क्या होगा, जीरो और जीरो एक साथ जब ऐड करेंगे, जीरो और जीरो जब इनपुट में लगाएंगे तो आउटपुट क्या होगा, यहाँ जीरो, इसको बाहर साइड में सॉल्व कर लिया करो, जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो होता है, और उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी यहाँ वन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जीरो वन, तो जीरो प्लस वन क्या होता है, वन होता है, और वन का कंप्लीमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, हर जगह अब जीरो आएगा, वन वन, सॉरी यहाँ वन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस जीरो यानी वन, और इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, फिर वन वन, ये भी क्या हो जाएगा, इसका जीरो। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल ये है। तो इसका अगर कोई डिफिनीशन पूछे तो क्या बताओगे, अ गेट विच प्रोड्यूस आउटपुट हाई व्हेन बोथ इनपुट
when both input are low. When both input are low. ठीक है, क्लियर है? इट्स कॉल्ड क्या हो जाएगा? नॉर गेट. द गेट विच प्रोड्यूस आउटपुट हाई वेन बोथ इनपुट आर लो इज कॉल्ड नॉर गेट. ठीक है, और क्या इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं? इससे अच्छा एक और डिफिनेशन है. कौन सा डिफिनेशन है? अ गेट विच प्रोड्यूस लो, विच प्रोड्यूस आउटपुट लो वेन एनी वन इनपुट आर हाई. अगर एक भी हाई हुआ, ठीक है, एनी वन इनपुट आर हाई, देन आउटपुट हमेशा क्या होगा? लो होगा. जरा जस्ट चेक करो इसको, जो ये पॉइंट लिखे हो उसको वेरीफाई करो. क्या बोले हैं कि एक भी अगर वन हुआ, ठीक है, कोई भी अगर एक हाई हुआ तो हमेशा लॉजिक क्या देगा? आउटपुट पे जीरो देगा. ठीक है, कोई भी वन इनपुट अगर हाई हुआ तो हमेशा लॉजिक क्या देगा? आउटपुट पर लो देगा. अगर जीरो ऐसा बोलते कि एनी वन जीरो अगर अवेलेबल होता तो इसमें तो जीरो नहीं है, तो भी ये जीरो दे रहा है, और यहाँ तो दोनों जीरो है तो भी ये हाई दे रहा है. तो ये बात याद रखना है कि इसमें क्या बोलना है. अ गेट विच प्रोड्यूस आउटपुट लो व्हेन एनी वन इनपुट इज हाई. एनी वन इनपुट इज हाई. एनी वन इनपुट इज हाई. बोथ इनपुट हो गया तो बात की बात, लेकिन अगर कोई भी एक एनी वन इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी जीरो. ठीक है, ऑलवेज आउटपुट विल बी जीरो. ये बात समझ में आया कि नहीं? समझ गए थे. ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. इसका बबल्ड वाला देखो कैसे होगा. नॉर गेट को वो डिमार्गन लॉ से ए प्लस बी का जो आउटपुट हमारा था ए प्लस बी का बार था, यानी ये किसमें कन्वर्ट होगा? ए बार ए कंप्लीमेंट इनटू बी का कंप्लीमेंट. ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ ए इनटू कंप्लीमेंट ऑफ बी. इसको डिजाइन करते हैं तो कैसे डिजाइन करते हैं? ये डिजाइन इसका है, लेकिन इसको डिजाइन करने के लिए पहले हम नॉट गेट लगाएंगे ए के साथ. ठीक है, फिर बी के साथ नॉट गेट लगाएंगे, और इन दोनों का क्या करेंगे? एंड गेट करेंगे. इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग? एंड करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट क्या करता है? एंड करता है. ठीक है, एंड मतलब इसको डी की तरह बनाना. ठीक है, अब इसको कैसे डिनोट करते हैं आगे को? ये क्या हो जाएगा? ए कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट ऑफ बी. इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये नैंड गेट है, ये एंड गेट है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बबल लगा देंगे. इस नॉट को क्या शो कर देंगे? बबल से, और इस नॉट को भी बबल से. यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी आया. इसको बोलते हैं बबल्ड एंड गेट. क्या बोलते हैं इसको? बबल्ड एंड गेट. ठीक है, तो पूछेगा बबल्ड एंड गेट क्या होता है? तो क्या होता है? नॉर गेट होता है. ये नॉर गेट था. बबल्ड एंड गेट क्या हो जाएगा? नॉर गेट हो जाएगा. बबल्ड एंड गेट इज कॉल्ड नॉर गेट. ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है. वैसे तो बबल्ड आर गेट का आया था, तो इस बार हो सकता है क्या, अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बबल्ड आर गेट आया तो इस बार क्या पूछ देगा? बबल्ड एंड गेट क्या होता है? तो बबल्ड एंड गेट क्या होता है? नॉर गेट होता है. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर डिजाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट.
तो पहले इसका ट्रुथ टेबल लिखते हैं ए बी और इसका आउटपुट होगा जीरो जीरो पे ये क्या देगा वन देता है बाकी कभी भी वन आ गया तो क्या देगा हमेशा जीरो देगा अभी से ही डिफाइन किए थे हम लोग कि कहीं भी एक इनपुट में वन आया तो क्या देगा जीरो देगा ठीक है तो इसको हम स्विच की तरीके से कैसे ऑपरेट करेंगे इसको लेंगे वन स्विच इसको लेंगे सेकंड स्विच और ये जो तुम्हारा स्विच होगा तो देखो कैसे डिजाइन करेंगे इसका ये बल्ब है ठीक है ये 5 वोल्ट का बैटरी है यहां से लगा देंगे देखो आर गेट किसमें होता है पैरेलल में होता है आर गेट कैसे होता है पैरेलल में होता है और नॉट गेट के सॉरी आर गेट कैसे होता है पैरेलल में स्विच होते हैं और नॉट गेट भी क्या होता है इस लोड के पैरेलल में होता है हाँ अब देखना यहाँ पर अब देखो ये स्विच वन हो गया और ये स्विच टू हो गया अब देखो अगर दोनों स्विच ऑफ है दोनों स्विच क्या है ऑफ है तो हमारा करंट किधर से जाएगा इस लोड के रास्ते से जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जैसे ही एक स्विच क्लोज हुआ जैसे ही एक स्विच क्लोज हुआ हमें क्या मिल जाएगा एक शॉर्ट सर्किट पथ मिल जाएगा यहां से जाने के लिए यहां से इसको जाने के लिए एक शॉर्ट सर्किट पथ मिल जाएगा तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं छोटे रास्ते को फॉलो करते हैं ठीक है करंट भी क्या करता है करंट फॉलो करता है कम रेजिस्टेंस वाले पथ को यहाँ कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो सारा का सारा करंट कहाँ से चलाएगा यहीं से स्विच टू के रास्ते से चलाएगा ठीक है अगर कोई भी एक क्लोज होगा उसी रास्ते से वो चलाएगा पूरा करंट लोड के पास कोई जा ही नहीं पाएगा तो यही बात बोल रहे हैं कि कोई भी स्विच कोई भी स्विच अगर क्लोज हो गया वन का मतलब क्या क्लोज हो जाना कोई भी स्विच अगर क्लोज हो गया तो क्या हो जाएगा आउटपुट हमारा हमेशा जीरो हो जाएगा आउटपुट जीरो मतलब बल्ब ऑफ हो जाएगा ठीक है बल्ब क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा क्लियर है कि नहीं है क्लियर है सर ठीक है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लियर है ना और इसको डिजाइन कैसे करते हैं एक्चुअल सर्किट इसका कैसा होता है सेकंड पिछले पेज पे था ना उसको देखते हैं थोड़ा इसका डिजाइनिंग पार्ट देख लेते हैं देखो आर गेट किससे डिजाइन होता है सेमीकंडक्टर से सेमीकंडक्टर डायोड से और ये किससे डिजाइन होता है कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर से यानी यहां पर क्या लगाना पड़ेगा डायोड भी लगाना पड़ेगा और ट्रांजिस्टर भी लगाना पड़ेगा किसके लिए नॉर गेट के लिए ठीक है नॉट के लिए कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर यूज होता है और आर के लिए डायोड यूज होता है इन दोनों का यूज करके हम लोग क्या बना लेंगे नॉर गेट को बना लेंगे ठीक है तो ये बात वहां पे क्या हो गया था स्किप हो गया था आगे देखते हैं इसका कम्युलेटिव और एसोसिएटिव लॉ नहीं करवा रहे हैं वो आप लोग करिएगा ठीक है बस ये जानते रहिए कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है फॉलो नहीं करता है आर गेट नॉर गेट को करा दे कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ सर खुद करके देख लेगा कि आपको कुछ लेगा नहीं सकते ठीक है वैसे मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ छोटा छोटा कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी कम्युलेटिव लॉ ठीक है चलो कर ही देते हैं क्या कितना टाइम लगेगा ए प्लस बी का बार अगर इसको बी प्लस ए के बार से अगर दोनों सेम हुआ तो क्या हो जाएगा कम्युलेटिव लॉ फॉलो करेगा तो फॉलो करके देखते हैं ये इसका मीन्स क्या है कि ये तुम्हारा आर गेट था आर गेट था तुम्हारा ये इसके आगे एक बबल लगा देते हैं नॉट के लिए ये ए है ये बी है और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल बार हो जाएगा मतलब कम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पर यहाँ अगर जीरो रखते हो यहाँ वन रखते हो तो इसका मान कितना आएगा जीरो प्लस वन इसका वैल्यू कितना आएगा जीरो प्लस वन यानी क्या आ जाएगा वन का कम्प्लीमेंट यानी जीरो आ जाएगा अगर सेम कम्प्लीमेंट आता है इसके इनपुट को चेंज करने पे तो हमारा ये क्या करेगा कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करेगा तो देखते हैं ये देखो ये बी हो गया अब और ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा
बी के जगह पे क्या रखे थे, वन रखे थे, और ए के जगह पे क्या रखे थे, जीरो। तो बी प्लस ए का होल कॉम्प्लीमेंट, बी प्लस ए का होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे क्या इसका वैल्यू आ जाएगा, वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो वन ही होगा, और वन का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। तो दोनों आउटपुट फिक्स है, यानी ये क्या होगा, नॉर गेट कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करेगा। एसोसिएटिव लॉ देखते हैं कैसे फॉलो करेगा इसको, इस बार अच्छे से देखते हैं एसोसिएटिव लॉ को। पिछले में शायद हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो गया था, तो एसोसिएटिव लॉ को देखो। एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ देखते हैं, दो इनपुट को एक साथ भेजेंगे, एक एक नॉर गेट वो पहले क्या करेंगे, दो इनपुट को भेजेंगे, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का बार, फिर थर्ड इनपुट लाएंगे और इसके साथ नॉर कर देंगे। तो इसको अगर एक्स मानते हैं तो यक्स प्लस ए, सॉरी यक्स प्लस सी का होल बार हो जाएगा। अब यक्स की जगह अगर ए प्लस बी का बार रखते हैं प्लस सी, ठीक है, ये क्लियर है, इतना आउटपुट हो जाएगा। x की जगह क्या रख दिए, a प्लस बी का कम्प्लीमेंट, a प्लस बी का कम्प्लीमेंट, और होल कम्प्लीमेंट इसके कारण आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये जो आउटपुट जनरेट हुआ ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आवाज क्लियर नहीं आया मुझे, यमाई ये क्लियर है, अच्छा नेट स्लो हो गया आज के लिए सर, इतना ही करने से क्या, ठीक है, यही बस लास्ट कंसेप्ट है एसोसिएटिव लॉ को ही कंप्लीट करके इसको क्या करते हैं, लास्ट ही करते हैं, एक इसको लास्ट ही करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। ए प्लस बी का अगर इसमें डिमार्गन लगाएंगे तो ये प्लस किसमें हो जाएगा, सी में डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका कंप्लीमेंट दोनों के पास आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं बताया था क्या कि जब एक्स प्लस सी का होल कंप्लीमेंट होता है तो यक्स कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट प्रोडक्ट में आ जाते हैं, सेम काम यहाँ किया हूं। यक्स की जगह क्या है, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट है और उसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट आपस में कट जाते हैं और बचता क्या है, ए प्लस बी इंटू सी का कॉम्प्लीमेंट। अगर सेम आउटपुट जनरेट होता है इससे, अगर इनके इनपुट को चेंज करने पे, तो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो करके देखते हैं, बस यही लास्ट कंसेप्ट है इसको, इसके बाद से क्या करते हैं, इसको एंड करते हैं। तो इस बार बी और सी को एक साथ कर दो, नॉर, बी और सी को एक साथ नॉर करो, यानी बी प्लस सी का नॉर, और ए को बाद में कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी का नॉर और उसके ऊपर होल बार। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे आ रहा था तुम्हारा क्या, ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट सी, यानी क्या हो गया, ये चेंज हो गया कि नहीं हो गया, चेंज ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया। तो नैंड और नॉर गेट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, बस यहाँ से यही हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इस रिजल्ट को याद रखना है कि यूनिवर्सल गेट जो होता है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे बस यही एक लाइन लिख देते हैं, उसके बाद इसको एंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, नॉर गेट इज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, इज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ,
ठीक है, तो आज क्लास सही लगा जी सर? ठीक है, समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ? जी ठीक है, नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, जी अब वीडियो देख देख के, और इसके आगे कल हम लोग यूनिवर्सल सॉरी स्पेशल गेट पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पेशल गेट। स्पेशल गेट में क्या पढ़ेंगे? एग्जॉर और एग्जॉर, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एग्जॉर और एग्जॉर। इन दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? छोटा सा टॉपिक एसओपी और पीओएस पढ़ लेंगे, उसके बाद से के मैप को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है कली वाले क्लास में हो जाएगा, और के मैप नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू।